और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पानीपत से बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, सूर्य वूलन मिल में लगी भीषण आग, ये बड़ी खबर। सैकड़ों कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे तो वही कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। तो वही आपको बता दें कि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। आग लगने के कारणों का खुलासा हालांकि अभी तक नहीं हो पाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गया। अनिल, जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही है, मिल में आग लगी है और सैकड़ों कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे, फिलहाल क्या कुछ मौजूदा हालात वहां पर हैं, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पानीपत के नेशनल हाईवे स्थित सूर्या वूलन मिल है जिसमें अचानक आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि जिसके बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया। वहीं दमकल विभाग की करीब आधा दर्जन गाड़ियां भी मौके पर पहुंची थी और आग बुझाने में जुट गई। बता दें कि जब हादसा हुआ तो जो कर्मचारी थे वो भी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, जैसे ही धुआं उठा तो कर्मचारी में अफरा तफरी मच गई और शोर मचाया, जिसके बाद दमकल विभाग को सूचित किया गया। वहीं जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं आग बुझाने में जुटी हुई हैं। फिलहाल जो आग लगने के कारण है उनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहिए क्या इस पूरे हादसे में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी सामने आ पाई हो? देखिए, जिस तरह से जो आग लगी है भीषण है, क्योंकि अभी दिन का मामला था और जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जैसे ही आग लगी तो कर्मचारी वहां से बाहर निकल गए। धीरे धीरे जो सभी कर्मचारी हैं उनको बाहर सुरक्षित निकाला गया और दमकल विभाग जो है वो लगातार आग बुझाने के प्रयास कर रहा है। बता दें कि इस आग के कारण लाखों रुपए का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। जी जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।